द जापानी सीक्रेट टू लॉन्ग लास्टिंग हेयर स्ट्रेटनिंग नेचुरल एंड इफेक्टिव केराटिन ट्रीटमेंट एट होम। जी हाँ दोस्तों, आज हम कॉर्न फ्लोर का इस्तेमाल करके हेयर स्मूथनिंग ट्रीटमेंट क्रीम, केराटिन ट्रीटमेंट क्रीम तैयार करने वाले हैं। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई डैमेज है या आपने कोई ऐसा केमिकल का इस्तेमाल कर लिया जिससे आपके बाल झाड़ू जैसे दिखाई देने लगे, जब आप कोम्ब कर रहे हो तो आपके बाल काफ़ी टूट रहे, झड़ रहे, तो उन प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करना है और बालों का टेक्सचर किस तरीके से इम्प्रूव करना है अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा कर्ली है, ड्राई डैमेज है, बालों में स्प्लिट एंड्स बहुत ज़्यादा दिखाई देने लगे जिससे बाल भद्दे सी दिखाई देने लगे, तो उन सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको इस वीडियो पर मिलने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कॉर्न फ्लोर 2 स्पून ले लेना है। बात करेंगे हम कॉर्न फ्लोर के फ़ायदे की, तो बालों में वॉल्यूम लाने के लिए, बालों को थिक्कर बनाने के लिए कॉर्न फ्लोर बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अगर आपके बालों में फ्रिजनेस, आपके बालों में कर्लीपन बहुत ज़्यादा है तो उसको एलिमिनेट करेगा, बालों को सॉफ्ट बनाता है। तो 2 स्पून के करीब एक बाउल के अंदर, एक कटोरे के अंदर आपको कॉर्न फ्लोर निकाल लेना है। अब आपको इसके अंदर मिल्क इतना ऐड करना है ताकि अच्छे से स्मूथनिंग क्रीम तैयार हो, उतना ही मिल्क ऐड करना है। बात करेंगे दोस्तों मिल्क के फ़ायदे की, तो मिल्क के अंदर पोटेशियम है, बायोटीन है, विटामिन B6, विटामिन ए जैसे अच्छे न्यूट्रिएंट्स भी मौजूद है जो आपके बालों में से ड्राइनेस को बिल्कुल रिमूव कर देंगे। अगर आपके बाल हीट से डैमेज हो गए, ड्राई हो गए, तो उसको भी रिपेयर करने के लिए मिल्क बहुत ही फायदेमंद होगा। तो आपको कॉर्न फ्लोर के अंदर मिल्क इतना ऐड करना है ताकि अच्छे से क्रीम बन जाए। अब आपको इसके अंदर तीसरी और लास्ट चीज़ ऐड करना है, वो है हनी। दोस्तों हनी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है हमारे बालों में से फ्रिजनेस को रिमूव करने के लिए, बालों को सॉफ्ट बनाने के लिए। अगर आपके बालों में हेयर ब्रेकेज की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो बालों में से हेयर ब्रेकेज को कम करके बालों में मॉइस्चराइज लाने के लिए आप हनी का इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको हनी सिर्फ 1 स्पून मिलाना है कॉर्न फ्लोर और मिल्क के अंदर, बिल्कुल अच्छे से इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद दोस्तों ये कॉर्न फ्लोर से बनी स्मूथनिंग क्रीम हमारी तैयार है। बात करेंगे इसका एप्लीकेशन किस तरीके से करना है। सबसे पहले आपको बालों को क्लीन करना है, शैम्पू से बिल्कुल अच्छे से बालों को धो लेना है। धोने के बाद दोस्तों बालों को ड्राई करना है टॉवल से, और उसके बाद आपको स्मूथनिंग क्रीम का एप्लीकेशन करना है। बिल्कुल अच्छे से स्टेप बाय स्टेप अपने बालों के लेंथ पर लगाना है, कम से कम 30 मिनट तक बालों पर लगाए रखना है। अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो 1 घंटे तक अपने बालों पर लगाए रखें, और उसके बाद आपको लुक वो वाटर से बालों को क्लीन कर लेना है। इस तरीके से क्रीम का यूज़ करना है, आप हफ्ते में 2 बार यूज़ कर सकते हो बेस्ट रिजल्ट के लिए।